भाई स्टेशन, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। ट्रेन बार बार रुकने की वजह से ट्रेन में सवार यात्री परेशान हो रहे थे। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे लेट चल रही थी और अगले आधे घंटे में ट्रेन फिर से रुकी, मगर इस बार छोटे से स्टेशन पर। हालांकि यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, मगर सिग्नल ना मिलने के कारण इनको रोका गया। ट्रेन इस बार स्टेशन पर रुकी थी। यात्री अपने डिब्बों से बाहर निकलकर स्टेशन पर घूमने लगे। ट्रेन को यहाँ रुके 20 मिनट हो चुके थे। सौम्या जो इसी ट्रेन में यात्रा कर रही थी, अब सौम्या भी ट्रेन में बैठे बैठे परेशान होने लगी थी, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रेन के बाहर ही घूम रहे थे, तो उन्हें देखकर सौम्या भी बाहर आ गई। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, तब सौम्या पास में एक बेंच पर बैठ गई। इसी तरह 15 मिनट और बीत गए, मगर अभी भी ट्रेन वहीं पर रुकी हुई थी। सौम्या बेंच से उठी और पानी पीने के लिए सामने नल के तरफ बढ़ी। सौम्या पानी पी रही थी, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। सौम्या ने अपने आसपास देखा, वहां पर कोई नहीं था। सौम्या पानी पीकर बेंच की तरफ बढ़ी। उसकी नज़र एक पेड़ की तरफ पड़ी जिसके पीछे से एक छोटी सी बच्ची झांक रही थी। सौम्या उस बच्ची को देखकर मुस्कुराई और अपनी ओर बुलाने लगी। सौम्या को मुस्कुराते देख बच्ची भी मुस्कुराई, मगर वो बच्ची अभी भी पेड़ के पीछे खड़ी हुई थी। जब सौम्या ने देखा वह उसके बुलाने पर नहीं आ रही, तो सौम्या ही उसके पास चली गई। जब सौम्या उस बच्ची के पास पहुंची, तो उस बच्ची ने कुछ बोला। सौम्या को उस बच्ची की बात समझ नहीं आई। उस बच्ची की बात से लग रहा था वह सौम्या से खाना मांग रही थी। वह बच्ची अभी भी पेड़ के पीछे खड़ी हुई थी। तभी सौम्या ने अपने बैग से चॉकलेट निकाली। वह बच्ची सौम्या के हाथ से चॉकलेट लेकर उसी अंधेरे में गायब हो गई। वही सौम्या यह देखकर हैरान रह गई। उस बच्ची के पैर ही नहीं थे, मानो वह जैसे हवा में उड़ रही हो। इसके बाद सौम्या वापस अपनी ट्रेन की सीट पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन भी खुल गई। अभी भी सौम्या डरी और सहमी हुई बैठी थी। वह वहाँ अभी भी उस बच्ची के बारे में सोच रही थी। आधे घंटे के बाद जब सौम्या खिड़की से बाहर देख रही थी कि वह बच्ची सौम्या को फिर से दिखी। वह बच्ची ट्रेन के साथ साथ चल रही थी। तभी सौम्या ने वहाँ पर मौजूद अन्य यात्रियों से कहा, देखो ये क्या उड़ रहा है बाहर। मगर यात्रियों ने कहा, बाहर तो कुछ नहीं है, लेकिन सौम्या को वह बच्ची दिख रही थी और उससे खाना मांग रही थी। लिहाजा सौम्या के पास जो भी खाने को था उसने ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही सौम्या ने खाने की चीज़ें बाहर फेंकी, वह बच्ची भी दिखनी बंद हो गई। दोस्तों, यह घटना थी जनसाधारण एक्सप्रेस की, जो दिल्ली से राजधानी नगर पटना तक चलती है। वह स्टेशन था भाई स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन रुकी थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें।